प्रेशर ऑफ वन पॉइंट जीरो जीरो फोर बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोलेंट वॉट इज द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट क्या कैलकुलेट करना है बेटा आपको मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैसे करेंगे देखो पहले यहां पर लिखेंगे जो जो आपको गिवन है आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट विच इज टू ग्राम्स और क्या गिवन है बेटा आपको गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा 98 ये मैंने कैसे लिखा बेटा क्योंकि आपको गिवन है 2 परसेंट टू परसेंट का मतलब हुआ 98 एट ग्राम सोलवेंट में 2 ग्राम क्या होगा सोल्यूट अगर हम मान रहे हैं टोटल सोल्यूशन है आपके पास 100 ग्राम क्लियर उसके बाद क्या है बेटा एग्जॉटर ऑफ वन पॉइंट जीरो बार तो इसका मतलब हुआ पी एस की वैल्यू आपको दी है वन पॉइंट जीरो जीरो फोर बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है बेटा तो यहां पर लिखेंगे पी नॉट ए मतलब पी नॉट वॉटर इज वन एटीएम वन एटमोस्फेरिक प्रेशर इसको कन्वर्ट करेंगे बार में तो कितना आएगा वन पॉइंट जीरो वन थ्री बार क्लियर एम ए कितना बेटा वॉटर है तो एम ए इज एटीन ग्राम पर मोल मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम्स पर मोल आपको कैलकुलेट करना है एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे करेंगे देखो बेटा हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा पी नॉट ए माइनस पी या फिर हम कहेंगे पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी अब क्या करते हैं हम हमें पता है कि फॉर डाइल्यूट सोलूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो यहां पर हमने लिए अप्रोक्सीमेशन तो हम लिखते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट ए इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाय एन ए क्लियर लेकिन ये कब आया बेटा ये तब आया जब आपने यहां पर यूज किया है अप्रोक्सीमेशन को ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट की अलग अलग वैल्यू होगी अब अगर आप यहां पर इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे नंबर नंबर ऑफ 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 मोल्स मोल्स बी एंड ए निकालना हमें आता है तो बेटा आंसर तो आ जाएगा लेकिन उसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन आएंगी जैसे आपकी बुक में जो पीछे आंसर गिवन है इस क्वेश्चन का वो आंसर यहां से नहीं आएगा ठीक है उतना क्लोज नहीं आएगा तो उसके लिए हम क्या करते हैं अगर आपको अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करना है तो हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे कैसे करेंगे बेटा देखो क्या गिवन है आपको पी नॉट ए माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी डिवाइड बाय ए प्लस एन बी इसको करो रेसिप्रोकल यहां से अब हम यहां कर रहे हैं विदाउट अप्रोक्सीमेशन तो ये हो जाएगा बेटा पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी इज टू एन ए प्लस एन बी डिवाइड बाय एन बी बेटा अब क्या करना है देखो पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी इक्वल्स टू क्या हम इसको लिख सकते हैं एन ए बाय प्लस एन बी बाय एन बी कितना हो जाएगा वन इस वन को ले जाओ लेफ्ट साइड पे कितना हुआ बेटा पी नॉट ए डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी और ये माइनस वन इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइड बाय एन बी अब एलसीएम लेंगे लेफ्ट साइड पर तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी डिवाइड बाय पी नॉट ए माइनस पी इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइड बाय बी पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल तो कितना बचा p डिड बाय p नॉट a माइनस पी इज इक्वल्स टू एन ए डिवाइड बाय एन बी अब क्या करना है बेटा यहां पर हमने रेसिप्रोकल किया था वापस से इसको क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आएगा p नॉट a माइनस पी डिवाइड बाय p इज इक्वल्स टू एन बी डिवाइड बाय एन ए तो ये आया बेटा आपके पास फॉर्मूला और यहां पर हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं किया है ठीक है अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो भी चलेगा लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा आपने अप्रोक्सीमेशन यूज किया है तो इसलिए आंसर में वेरिएशन आएगा क्लियर तो अब क्या करना है आपको इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे पी नॉट ए माइनस पी डिवाइड पी इज इक्वल्स टू

डिवाइड बाई एम बी आपको कैलकुलेट करना है and is 98. तो यहां से कितना आएगा बेटा दिस इज जीरो कैलकुलेट करनी है तो एम बी इक्वल्स टू थर्टी सिक्स बाय नाइनटी एट ऊपर आएगा वन पॉइंट जीरो जीरो फोर और नीचे आएगा जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन ठीक है मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको कितना आया 36.144 डिवाइड बाय 0.882 तो आपके पास MB की वैल्यू आ वा जाएगी बेटा 40.97 ग्राम पर मोल दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ठीक है समझ आ गया बेटा तो यहां से आपने क्या किया कैलकुलेट कर दिया है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्लियर अगर आप यहां पर ये अप्रॉक्सिमेशन लेकर ये कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ये आंसर आएगा फोर्टी थ्री पॉइंट समथिंग ठीक वो भी ठीक है लेकिन एग्जैक्ट आंसर वो नहीं है आपकी बुक्स में जो दिया है वो उसके आसपास भी नहीं है तो इसीलिए आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे क्लियर चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में तब तक के लिए बाय बाय